तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं चला आर के मैं सोल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पेटीएम यानी गूगल पे हो या पेटीएम हो या फिर पेफोन हो, तो ये सब इसका अकाउंट नंबर दिया हुआ है। तो आप चाहें तो वहाँ पर कुछ डिनोशन कर सकते हैं या भी नहीं भी कर सकते, ठीक है, तो वो आपका मर्जी है। तो यहाँ पर हम लोग इससे पहले क्वेश्चन देख चुके थे और यहाँ पर हम 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि बोल रहे हैं, 5 उदाहरण लेकर जांच करें कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित होता है। तो 5 हम ऐसा एग्जांपल लेंगे और जो 8 से विभाजित होता है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व लिखना है, फिर का घन 8 से विभाजित होता कि नहीं। पहले 2 का घन निकालें, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, यानी 2 मतलब कि 2 2 4 4 2 8 हुआ, ठीक है, 8 हुआ, जो कि 8 से विभाजित है, क्योंकि 8 से विभाजित 8 है तो 8 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या विभाजित होगा अगर उसमें वो गुणनखंड होगा, तो जैसे 9 गुना 4 की बात किया जाए तो ये 9 से भी विभाजित है क्योंकि इसमें 9 भी है। आई ये 4 से विभाजित होगा क्योंकि इसमें 4 भी है। आई 9 4 36 है, मतलब 4 से भी विभाजित होगा और ये 9 से विभाजित होगा क्योंकि इसका गुणनखंड 4 भी है और 9 भी है। तो जो भी गुणनखंड होगा उस संख्या में उससे वो विभाजित होगा, ये पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, 4 का अगर हम क्यूब निकालें, घन निकालें, तो 4 4 यहाँ पे 64 होता है जो कि 8 से विभाजित है क्योंकि 8 8 64 भी होता है, ठीक है, होता है, और 8 8 64 होता है, तो ये तो पता है। 6 का आपका निकालेंगे तो 216 होता है जो कि 8 से विभाजित है। आप देख लीजिए भाग करके 8 से, तो हो जाएगा 216 8 से विभाजित है, तो यहाँ पे होगा। 8 का निकालेंगे तो 8 512 आता है जो कि 8 से विभाजित होगा, होगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 8 गुना 8 गुना 8, ये तो 8 8 का ही गुणनखंड है। 512 को इस तरह से हम गुणनखंड के रूप में लिख लें। अब 8 इसमें गुणनखंड, मतलब 8 से विभाजित तो होगा ही। 10 का देखेंगे तो ये 3 1/3 0 यानी 1000 जो कि 8 से विभाजित है, मतलब कि लगभग 8 से विभाजित सभी आता क्या होगा कि सभी संख्याओं का घन 8 से विभाजित होता है, यहाँ से ये पता चला। 30वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा, 3n+2 के रूप में लिखे जाने वाले 5 धन पूर्णांकों जैसे 5 8 11, 3n+2 के रूप में, जैसे n के जब 1 लिया तो 3 × 1 3 और +2 3 5 हो गया, फिर 2 लेगा तो 8 आएगा, फिर 3 लेगा 11, तो इसी तरह से 5 हमको लिखना है। जांच करना है, ठीक है, उसको जांच करना है। और यहाँ पे बोल रहा है, 3n+2 के रूप में लिखे जाने वाले किसी धन पूर्णांक के घन को भी इसी रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी देख लेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे यहाँ पे 3n+2 के रूप में लिखा हुआ है, मतलब कि 3 n के जगह पे कोई संख्या होगा, ठीक है, और प्लस में 2 बचा है, 2 बचा है, मतलब कि जो भी संख्या हम अगर जाँच करना चाहेंगे तो उस संख्या में हम 3 से भागा देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 गुणनखंड है, और 3 से भागा देंगे और जो भी भागफल आएगा वो n होगा, ठीक है, वो n होगा, और जो शेषफल बचेगा वो 2 बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस में 2 है, ठीक है, यानी 2 बच जाना चाहिए, यानी कि 3 × n। अब जो भी यहाँ पे भाज है वो तो 3 × भाग, मतलब कि भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल के बराबर ही होता है ये भाज, ये तो पता ही होगा, आपका फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल बटा में शेषफल, तो यानी 3 और ये इसको n मान ले तो 3n+2, ठीक है, इस रूप में होगा। अब हम उस तरह से भाग करके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 16 लिखेंगे और 3n+ के रूप में लिखे जाने वाली 5 संख्याएं n=1 2 3 4 5 तक रखेंगे, 5 निकल जाएगा संख्या, रखने पर मिलेगा संख्या 5 मिलेगा क्योंकि 3n+2 है, n के जगह पर 1 रखेंगे 3 × 3 और 2 5 हुआ, 2 रखेंगे 3 × 2 6 और 6 2 8 होगा, 3 रखेंगे 3 3 9 और 2 11 होगा, 4 रखेंगे 4 3 12 2 14 होगा, 5 रखेंगे 5 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 5 का सभी का क्यूब निकालना है और देखना है कि उसको उस रूप में लिखा जाता है तो 41 बार में ये लगता है और शेषफल 2 बचता है, यानी 3n यानी 41, 3 × 41 + 2 यानी +2 आ गया, यहाँ पे n 41 है, यानी इस रूप में हम लिख सकते हैं, 3n+2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 512 है तो 512 + 2 हमको यहाँ पे लिखना है, और मतलब उसी तरह से भागा दे देंगे 3 से, और तो 170 से लगता है और 2 बच जाएगा आपको, देख लीजिएगा जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, ठीक।
तीन से भागा दिए हैं, एक बार में लगा दो बचा, एक उतरा 21 सत्य 21, फिर यहाँ पे दो एक उतारे हैं, अब उतार लिए भागा लगा नहीं तो 100 यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, तो 170 हुआ और दो बच गया शेष पर। अब उसी तरह से यहाँ पे आपका 11 का हो गया इतना, तो इसमें भी तीन से भागा दीजिएगा तो 443 आ जाएगा, प्लस में ये 2 आ जाएगा, यानी 3n+2 के रूप में इसको भी लिखा जा सकता है। फिर 14 का तो इतना आएगा, उसको भी तीन से भागा देंगे तो लगभग 914 बार में लगेगा प्लस में शेषफल में, यानी दो बचेगा तो 3n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। 49 13 बचेगा तो अब तीन से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे 16 39 बचेगा भागफल में, यानी 3n+2 के रूप में, और शेषफल में 2 बचेगा तो इस रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ये हुआ, अतः 3n+1 के रूप में लिखे जाने वाली सभी संख्या को भी सभी संख्या के घन को भी यहाँ पे लिख लिया, घन को भी, ठीक है, घन को भी 3n+1 के रूप में लिखा जा सकता है, 1 के रूप में था या 2 के रूप में था, ठीक है, यहाँ पे 2 के रूप में है तो यहाँ पे 2 ही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 2 के रूप में है तो सॉरी यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है, 2 के रूप में होगा तो 2 ही होगा, 1 के रूप में होगा तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 2 के रूप में है तो 2 होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 2n+1 के रूप में लिखे जाने वाले 5 धन पूर्णांक जैसे ये है, एकदम सेमी क्वेश्चन है, तो इसके घन लिखे और जांच करें कि 2n+1 के रूप में लिखे जाने वाले किसी घन पूर्णांक को घन को भी इस रूप में लिखा जा सकता है। मतलब वही हुआ, बात वही हुआ कि इस रूप में लिखा, मतलब n के जगह पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 5 आएगा, और 3 रखेंगे 7 आएगा, ठीक है। अब इसके रूप में जो भी संख्या उसको हम घन लिखेंगे और उस घन को भी देखेंगे 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, तो उसी तरह से चेक करना है, सोल्व करना है। 2n+1 में n के स्थान पर हम 1 2 3 4 5 रखने पर जो संख्याएँ मिला वो मिला 3 5 7 9 11, ये आपको पता ही है, क्योंकि 2n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 2 × 4 एक 5 आएगा, 3 × 2 6 एक 7 आएगा, 4 × 2 8 एक 9 आएगा, 5 × 2 10 एक 11 आएगा, है ना, इस तरह से आया। मतलब 5 रखें एन तो 5 × 2 10 एक 11, 4 रखें तो 4 × 2 8 एक 9, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, सभी का यहाँ पे घन निकालेंगे, 3 का घन तो 27 आता है, 27 को अगर हम उसी तरह से आप देख लें, 1 हटा लें 27 है तो 1 प्लस में शेषफल बचेगा, यानी 1 इसमें से इधर कर लें, बचा 26 को यानी 2 × कुछ रूप में तोड़ना है, तो 2 यानी तोड़ेंगे तो 13 × 2 26, ठीक है, यानी 13 × 2 26 एक 27, या फिर भागा दे भी सकते हैं आप 2 से, जैसे कि यहाँ पे देंगे तो 13 × 2 26 ही आएगा, एक शेषफल में बचना है। अब यहाँ पे जैसे 5 का आया, 5 का आता है 125 एक शेषफल में बचता है, इसलिए 126 हो गया, 126 को दो मतलब गुणनखंड में तोड़ेंगे, जिसका गुणनखंड 2 होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा तो यानी 62 आपका 124 आता है, तो इस तरह से 343 आया 7 का, तो 7 का 343 हटा दें, 2n+1 के रूप में हो गया, 729 है उसमें से एक घटा लिए, मतलब 9 का ही है उसमें से एक घटाएं, मतलब एक इसमें हटेगा शेषफल बचेगा, तो इसमें 728 हुआ। अब 728 को हम लोग यहाँ पे 2 × 2 के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 364 आएगा, या फिर 2 से भागा भी दीजिएगा तो इतना 364 बार में लगेगा, एक शेषफल बचेगा, ठीक है। तो आप इस ऐसे मतलब मन से भी बना सकते हैं, जैसे कि 1330 है, 1330 है आपका, एक हट पहले यहाँ पे रख देंगे शेषफल के रूप में, यहाँ पे बचेगा 1330, उसके हम दो मतलब कि दो भाग में बांट देंगे, मतलब 2 के गुणनखंड में तोड़ देंगे, 2 × कुछ रहेगा, तो यानी 6 × 12 बचा 1, फिर 6 × 12 क्योंकि 1 × 3 13 ही होगा, 6 × 12 फिर बचेगा 1 1 0 10 यानी 2 5 10 यानी 665 × 2 के रूप में ये टूटेगा, तो 665 × 2 और प्लस में 1 तो पहले ही रख दिए थे, तो इस तरह से तोड़ें और 2n+1 के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, या जिस तरह से हमने पहले भी लिखा था कि अतः 2n+1 के रूप में लिखे जाने वाली संख्याओं का घन भी 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन में 2n+2 के रूप में लिखे जाने वाले 5 धन पूर्णांक जैसे वही संख्या 4 6 8 दिया हुआ, 4 दिया हुआ मतलब यहाँ पर 1 रखा तो 2 × 2 2 ही, 2 + 4 यानी 1 रखा, 2 रखा, 3 4 5 तक, इस तरह से रखें कि घन लिखें और जांच करेंगे 2n+ के रूप में लिखे जाने वाले किसी धन पूर्णांक को घन भी इस रूप में लिखा जा सकता है। तो वही क्वेश्चन है, सोल्व लिखेंगे 2n+1 में n के जगह पर 1 2 3 4 5 तक रखेंगे, इसमें रखने पर संख्याएं जो मिला वो 4 6 8 10 12 मिला, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 × 4 2 6, ठीक है, 3 रखें 3 × 6 2 8, 4 रखें 4 × 2 8 2 10, 5 रखें 5 × 2 10 2 12, 5 रखें 5 × 2 10 2 12,
हटाता है 64 को, अगर हम दो पहले हटा लेते हैं यहाँ पे 62 बचेगा, 62 को दो के गुणनखंड के रूप में तो 31 दूनी 62 यानी 2n+2 के रूप में टूट गया, ठीक है। यानी भागा करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे 216 है, दो हटा दिए पहले 6 का आया, 216 वर्ग इसका घन आता है तो दो यहाँ पे अब हो गया 214, अगर 214 2n2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2n × 107 आएगा, ठीक है, तो 2n+2 के रूप में आ गया। 512 इस 8 का आता है तो यहाँ पे दो पहले रख देंगे तो यहाँ पे बचा कितना 10 बचा 510, 510 को अगर हम 2n2 के रूप में तोड़ेंगे तो 510 का आधा कर देंगे तो 250 और 5, ठीक है, 250 और 5 मतलब 255 × 2 यानी 2n+2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। 1002 हटा दिए, 998 बचेगा, 998 को 2n2 के रूप में अगर तोड़ेंगे तो 499 × 2, ठीक है, भागा देकर भी कर सकते हैं। 1728 यानी दो हटा देंगे, 1726 को अगर हम 2n2 के रूप में तोड़ेंगे 2n2 863, तो 2n2 आता 2n+2 के रूप में लिखे जाने वाले सभी संख्याओं के वर्ग को भी हम 2n+2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखें, आपको देखना है, जैसे इससे ये तो हम बेसिक में भी बताए थे, शायद घन में या वर्ग में, घन में भी बताए थे कि 2 का q-1, अब क्रम ये क्रम है, एक के बाद दो आता है, ठीक है, क्रमबद्ध है, और ऐसा होगा अगर दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो इस तरह से अगर हमको घटाना होगा क्यूब को तो आपको सबसे पहले एक लिख देना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला तीन ये लिख देना है, और यहाँ पे जो होगा जैसे दो है तो यहाँ पे दो लिखाया, यानी 1+2 ये वाला 2 फिर इंटू ये वाला 1 और इंटू 3 होता है, ठीक है, ठीक है, तो 1 तो इस जो भी आएगा इक्वल होगा, ठीक, यहाँ पे थ्री है तो 3 और -2 का क्यूब करना है 3 का क्यूब में से, तो यहाँ पे 1 लिखना है पहले आपको मन से, 1+ ये वाला 3 इंटू ये वाला 2 × 3, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से पैटर्न है, आपको इस तरह से देखना है। यहाँ पे बोला उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, जैसे 7 का क्यूब - 6 का क्यूब, तो यहाँ पे पहले 1 लिख देंगे हम, 1+7 × 6 × 3 कर देंगे, जैसे यहाँ पे है 1+7 ये वाला इंटू ये वाला 6 × 3, तो आएगा आपका 127, और इसका भी अंतर करेंगे तो 127 आएगा। 12 11 है तो आपका यहाँ पे 1 × 12 ये वाला 11 × 3 तो आएगा 397, ठीक है। 20 19 का है तो आपका 1+20 × 19 × 3 तो आएगा 1141। 51 का क्यूब 50 का क्यूब दोनों में अंतर करेंगे तो आपका आएगा 1+51 × 51 50 × 3 आपका 7100 इतना आएगा, 51, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 34 नंबर का 1 का क्यूब का अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्राप्त करने के लिए कितनी क्रम है, विषम संख्याओं में अगर इसको तोड़ा जा रहा है तो क्रमगत विषम, तो एक ही मिला, जब एक का क्यूब है तो एक ही मिला, ठीक है, दो का क्यूब है तो दो को मिला, यहाँ पे 3 का क्यूब है तो 3, यानी एक के बाद विषम आता है 3 5 5 के बाद फिर 7 9, ठीक है, 9 उसके बाद 11 यानी 3 का 3 11 के बाद आता है 13, तो फिर 4 का जब क्यूब होगा तो 4 को होगा और 13 से स्टार्ट होगा, 13 15 17 19, उसके बाद 5 का क्यूब 5 होगा तो 19 के बाद 21 तो 21 23 25 27 29, इसी पैटर्न को देखते हुए हमको यहाँ पे लिखा है 10 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितने क्रमगत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगा, तो 4 है तो 4, 5 है तो 5, इसी तरह से 10 है तो यहाँ पर 10 मतलब क्रमगत विषम संख्याओं का आवश्यकता होगा, तो यहाँ पे 10 से आपका आंसर होगा, तो इस तरह से लिखना। तो ये था 4.1 और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट में 4.2 हम देखेंगे, तो वीडियो कहीं पेंट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब के लिए लाइक कमेंट शेयर कर दिया।